So now we are going to discuss erythropoiesis in detail. Yes, हम क्या पढ़ रहे हैं? एरिथ्रोपोइसिस. यू नो वेरी वेल द मीनिंग ऑफ इरिथ्रोपोइसिस बिकॉज ऑलरेडी आई एक्सप्लेन इन डिटेल. ओके, सो मैं शॉर्ट में बताता हूँ. एरिथ्रो मतलब रेड, पॉइसिस मीन्स ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन. यस, ओ फॉर ओरिजिन, डी फॉर डेवलपमेंट, एम फॉर मैच्यूरेशन. पॉइसिस मीन्स प्रोसेस. इट इज अ प्रोसेस बाई विच ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल, टेक प्लेस, नोन एज एरिथ्रोपॉइसिस. क्या बोलेंगे इसको? एरिथ्रोपॉइसिस. यस, ठीक है. एरिथ्रोपॉइसिस कहां पर होती है? तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं साइट ऑफ एरिथ्रोपॉइसिस. क्या पढ़ रहे हैं? साइट. सर ये साइट मतलब कहां पर बनती है? तो ये जो साइट है, दो पार्ट में हम इसको यहां डिवाइड कर देते हैं. यस, पहला है बिफोर बर्थ मतलब इन फीटल लाइफ. इन फीटल लाइफ, फीटल को आप ऐसा भी लिख सकते हैं. ओके, और आफ्टर बर्थ मतलब न्यू बॉर्न बेबीज, एडल्ट चिल्ड्रन. यस, आफ्टर बर्थ. यस, तो जन्म के पहले कहां पर RBC बन रही है, जन्म के बाद कहां पर बन रही है? यस, तो जन्म के पहले मतलब ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ द RBC फॉर्मेशन टेक प्लेस इन थ्री साइड्स. कहाँ पर बनती है? तीन जगह बनती है. पहला है मीजो ब्लास्टिक स्टेज, मीजो ब्लास्टिक स्टेज. दूसरा है हेपेटिक स्टेज. क्या है? हेपेटिक स्टेज. और तीसरी है माइलॉइड स्टेज, माइलॉइड स्टेज. यस, ये तीनों स्टेज बिफोर बर्थ का, इन फीटल लाइफ, इन एम्ब्रियोनिक लाइफ. सो शुरू के जो फर्स्ट 2 मंथ है, शुरू के जो 2 मंथ है, फर्स्ट 2 मंथ RBC फॉर्मेशन टेक प्लेस एट मीजेनकाइम. क्या है बेटा? मीजेनकाइम. यस, मीजेनकाइम. यू नो वेरी वेल, मीजेनकाइम जो है, शुरू के 2 महीने जो RBC बनती है बेबी में, वो मीजोब्लास्टिक स्टेज कहलाती है. यहाँ पर RBC का फॉर्मेशन होता है. फ्रॉम द थर्ड मंथ से, कहाँ से? तीसरे महीने से. ध्यान रखना, थर्ड मंथ लिख रहा हूँ. यस यस, थर्ड टू सिक्स्थ मंथ. कब तक? थर्ड टू सिक्स्थ मंथ. यस, सिक्स मंथ तक RBC जो बनती है वो मेनली लीवर में बनती है. कहाँ पे बनती है? लीवर के साथ साथ स्प्लीन में भी बनती है. कहाँ पे बनती है? स्प्लीन में. और कहाँ बनती है? बोन मैरो में. कहाँ पे बनती है? बोन मैरो में. पर मेनली कहाँ बनती है? लीवर में. इसलिए इस स्टेज को बोलते हैं हेपेटिक स्टेज. बाकी थोड़ी बहुत स्प्लीन, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम एंड बोन मैरो में. एंड लास्ट के जो थर्ड मंथ है मतलब 7th to 9th मंथ. आ रहा समझ में? मतलब ये टोटल 3 मंथ होगा. यस और नो? दो नहीं होंगे ये, तो आप 8, 9 गिने. नहीं, 7th to 9th मंथ जो RBC फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो में होता है. किसमें होता है? बोन मैरो में. बोन मैरो ऑफ ऑल लॉन्ग बोन. किसमें? जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती हैं, फ्लैट बोन होती हैं, जितनी भी लॉन्ग बोन होंगी, मेम्ब्रेनस बोन होंगी. आ रहा समझ में? मेम्ब्रेनस बोन होंगी, फ्लैट बोन होंगी, वहां पे RBC का फॉर्मेशन होगा. एंड नाउ आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद RBC कहाँ बनती है? आ रहा समझ में? तो हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे.
पहला बिफोर 20 ईयर्स, मतलब 20 साल तक, बिफोर या अप टू कर देते हैं इसको, ये ज़्यादा सही रहेगा, अप टू 20 ईयर्स ऑफ एज एंड आफ्टर 20 ईयर्स। 20 साल के बाद आरबीसी कहाँ बनती है और 20 साल के पहले कहाँ बनती है, मान लो बच्चे का जन्म हो गया से लेके 20 साल तक, ऑल लॉन्ग एंड फ्लैट बोन। आ रहा समझ में, जितनी भी लॉन्ग और फ्लैट बोन है वहां पे आरबीसी बनेगी, आरबीसी का प्रोडक्शन होगा। जबकि आफ्टर 20 इयर्स ऑफ एज 20 साल के बाद आरबीसी फॉर्मेशन अकर ओनली एट membranous bone and long bone। सर मेम्ब्रेनस जैसे वर्टिब्रा, स्टर्नम, स्कैपुला, इलियक, आ रहा समझ में, जितनी भी मेम्ब्रेनस और फ्लैट बोन होंगी, कौन सी होंगी, फ्लैट, यस फ्लैट बोन, मेम्ब्रेनस बोन, लॉन्ग बोन, आफ्टर 20 इयर्स ऑफ एज या इनकी जो बोन मेरो होंगी वहां पर आरबीसी का प्रोडक्शन होगा, आरबीसी की सिंथेसिस होगी। और ये लॉन्ग बोन में भी कौन से पार्ट पे, एंड पार्ट में, ध्यान रखना सर, एंड पार्ट में मतलब जो बीच वाला जो पार्ट है वहां पे नहीं, बिकॉज जो रेड पल्प है वो येलो पल्प में ट्रांसफॉर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ फैट। तो 20 साल के बाद सिर्फ लॉन्ग बोन के भी बीच में नहीं, आखिरी एंड पार्ट पर प्रोडक्शन होगा। एनी डाउट? यस, सो हेंस कंप्लीटेड हेयर साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। क्या पढ़ रहे हैं हम, आरबीसी कहां कहां बन रही थी, तो ये मैंने आपको पूरा बताया। नाउ स्टेजेस ऑफ आरबीसी, यस यहां बता देता हूं आपको, वैसे तो आप जानते हैं, एक बार फिर से बता देता हूं। पहली स्टेज जो है वो है एरिथ्रोपोइसिस की, पहली जो स्टेज है एरिथ्रोपोइसिस की, यस वो है प्रो एरिथ्रो ब्लास्ट अर्ली नॉर्मो ब्लास्ट इंटरमीडिएट नॉर्मो ब्लास्ट लेट नॉर्मो ब्लास्ट रेटिकुलोसाइट और लास्ट में है मैच्योर आरबीसी। आ रहा समझ में, जिसको हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। आ रहा समझ में, सो एरिथ्रोपोइसिस की दीज आर दी सिक्स स्टेज, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 एरिथ्रोसाइट और मैच्योर आरबीसी। आ रहा समझ में, शॉर्ट में यहाँ से समझना, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट यहाँ पे राउंड शेप का रहता है, सिक्स स्टेज पे जाके डंबल शेप हो जाता है, वो कैसे होगा अभी बताते हैं आपको। आ रहा समझ में, ये स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस है। नाउ डिस्कस इन डिटेल दीज स्टेजेस, ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एरिथ्रोपोइसिस इन डिटेल। एरिथ्रोपोइसिस, और हम ये जो एरिथ्रोपोइसिस है इसकी सिक्स स्टेज को कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं। आ रहा समझ में, जिससे क्या होगा आपको लर्निंग में भी इजी होगा और ये एक बड़ा टॉपिक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पढ़ के भी हो जाएगा, पूरे पॉइंट भी कवर हो जाएंगे और एट द टाइम ऑफ एग्जाम, ओके, इट विल सेव योर प्रीसियस टाइम। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एरिथ्रोपोइसिस इन डिटेल, ओके। एरिथ्रोपोइसिस की जो सिक्स स्टेज है हम इसको टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे, जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट, एवरीथिंग, सब कुछ कवर हो जाएगा और ये एक बिग टॉपिक एक शॉर्ट में कंसाइज फॉर्म में हम इसको पढ़ लेंगे, जिससे आपको लर्निंग में भी मदद होगी, समझने में भी मदद होगी, आप कंपेयर करके पढ़ पाएंगे और एग्जाम टाइम में आपका ये बहुत प्रीसियस टाइम बचाएगा,
ओके सो लेट्स स्टार्ट इरिथ्रोपोइसिस एंड देयर स्टेजेस. ओके तो जो पहली स्टेज है बच्चों वो है प्रो एरिथ्रो ब्लास्ट. यस प्रो एरिथ्रोब्लास्ट. फिर है अर्ली नॉर्मो ब्लास्ट. प्रो एरिथ्रोब्लास्ट अर्ली नॉर्मो ब्लास्ट इंटर मीडिएट नॉर्मो ब्लास्ट लेट नॉर्मो ब्लास्ट. प्रो एरिथ्रोब्लास्ट अर्ली नॉर्मो ब्लास्ट इंटरमीडिएट नॉर्मो ब्लास्ट लेट नॉर्मो ब्लास्ट रेटिकुलोसाइट एंड मैच्योर आरबीसी. इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट. ओके सो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट और ये सभी स्टेजेस जो कि हम अब डिटेल में पढ़ रहे हैं इसमें हम सबसे पहले साइज पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? साइज. यस तो सभी के साइज यहीं पर आ जाएंगे. समझ में आया? ठीक है. साइज के बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूक्लियस. क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियस. इसका न्यूक्लियस कैसा है? यस फिर पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म स्टेनिंग. क्या पढ़ेंगे? साइटोप्लाज्म कैसा स्टेन हो रहा है. ठीक है तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? साइट पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियस पढ़ेंगे, फिर साइटोप्लाज्म की स्टेनिंग पढ़ेंगे, फिर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है या नहीं है. आ रहा समझ में? ठीक है क्योंकि फर्स्ट स्टेज में ही हीमोग्लोबिन नहीं आ जाता. आ रहा समझ में? ठीक है तो कम टू द पॉइंट माय डियर फ्रेंड. प्रो एरिथ्रोब्लास्ट ये एक बिग साइज की सेल है. कैसी है? बिग साइज की सेल है. देख लेते अपन प्रो एरिथ्रोब्लास्ट. अच्छा इसका डायग्राम की जगह भी अपने को लगेगी. ठीक है तो थोड़ा सा जगह बचाते हैं. यस ठीक है यहाँ पर हम इसका डायग्राम बना देंगे. यहाँ पर हम इसका साइज लिख देंगे और यहीं पर हम इसका न्यूक्लियस लिख देंगे. ठीक है सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं. यस तो ये क्या बन गई सर? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट. और इस प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में यस न्यूक्लियस होगा. क्या होगा? न्यूक्लियस. ठीक है उतना प्रॉपरली ये नहीं चल रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके क्या पढ़ रहे हैं अपन? डायग्राम. ये जो सेल का साइज है कितना है? 20 माइक्रोन. कितना है? 20 माइक्रोन. प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो सेल है यस ये एक लार्ज साइज की सेल है जिसका जो साइज है वो 20 माइक्रोन है. न्यूक्लियस प्रेजेंट. क्या है? न्यूक्लियस क्या है सर? प्रेजेंट और टू और मोर न्यूक्लियस प्रेजेंट है. क्या समझ में आ रहा है? टू मतलब बाइलोब्ड. बाइलोब्ड भी लिख सकते हैं या कुछ कुछ सेल में दो या दो से अधिक भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसलिए अपन ने टू और मोर लिख दिया. क्या समझ में आ रहा है? यस अब हम इसके बाद पढ़ रहे हैं कि सर ये जो 20 माइक्रोन की जो सेल है इसमें न्यूक्लियस भी बहुत बड़ा है ये सेल भी बहुत बड़ी है जबकि मैच्योर आरबीसी का साइज तो 7.2 माइक्रोन है मतलब लगभग थर्ड पार्ट ही बचता है तीन गुना कम. यस तो अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है? बेसोफिलिक. क्या है? जो साइटोप्लाज्म है वो बेसोफिलिक है. कैसा है बेटा? बेसोफिलिक है. और हीमोग्लोबिन यहां पर एब्सेंट रहता है मतलब हीमोग्लोबिन अभी प्रेजेंट नहीं है बट स्टार्ट सिंथेसिस. स्टार्ट सिंथेसिस मतलब
बनना स्टार्ट हो जाता है। आ रहा समझ में? एंड द प्रोरिथ्रोब्लास्ट इज दी फर्स्ट स्टेज। यदि आपको एक कोर पॉइंट यहां पे बढ़ाना था, आप स्टेज लिख दें। मैं इधर लिख देता हूं स्टेज। यस सर, स्टेज क्यों? यस स्टेज भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो ये फर्स्ट स्टेज है। क्या है? फर्स्ट स्टेज प्रोरिथ्रोब्लास्ट, जिसका साइज 20 माइक्रोन है, न्यूक्लियस दो या दो से अधिक प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, बट स्टार्ट सिंथेसिस, मतलब बनना स्टार्ट हो जाता है। यहां तक कुछ पूछना चाहते हैं आप? ओके, नाउ द सेकेंड वन इज अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। सर ये अर्ली नॉर्मोब्लास्ट क्या है देख लेते हैं। इसका डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं। 20 माइक्रोन से ये कम हो जाता है। इसका साइज है 15 माइक्रोन। कितना है? 15 माइक्रोन। सर ये 15 माइक्रोन क्या देख लेते हैं। यस ये से छोटी दिख रही है। यस और जो न्यूक्लियस है, यस ये कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। क्या होने लग जाता है? यस न्यूक्लियस स्टार्ट कंडेंसेशन, मतलब छोटा होने लगा है। आ रहा समझ में? सेल भी छोटी हो रही है। एनी डाउट? तो साइज है 15 माइक्रोन, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया है। क्या स्टार्ट हो गया है? कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया है। आ रहा समझ में? यस आपस में कंडेंसेट और कंडेंस होने जा रही है। समझ में आया? जो साइटोप्लाज्म में वो बेसोफिलिक है अगेन। यस हीमोग्लोबिन अभी भी एब्सेंट है। हीमोग्लोबिन भी अभी एब्सेंट है। कोई डाउट? बनने लगा है पर अभी भी, क्योंकि सिंथेसिस तो यही स्टार्ट हो गई थी पर अभी बना नहीं, इसलिए अपन एब्सेंट ही लिखेंगे। और स्टार्ट सिंथेसिस क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि स्टार्ट तो यहां हो चुका है। तो स्टिल आप लिख सकते हैं, स्टिल अंडर प्रोसेस। आ रहा समझ में? स्टार्ट स्टिल इज सिंथेसिस बट अभी बना नहीं है। एनी डाउट? इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट क्या है सर? यहां पे जो सेल का साइज है वो और कम हो जाएगा। यस कितना हो जाएगा? ये 15 माइक्रोन था, ये हो जाएगा 10 to 12 माइक्रोन। कितना हो जाएगा? 10 to 12 माइक्रोन। और जो न्यूक्लियस है वो कैसा हो जाएगा? कंडेंस, और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। आ रहा समझ में? न्यूक्लियो यहां पे न्यूक्लियोलाई एब्सेंट हुआ था, ठीक है, ठीक, न्यूक्लियस और कंडेंस हो गया। और क्या हो गया? और कंडेंस हो गया। कोई डाउट? ठीक है बढ़ जाते हैं आगे। न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट लेयर पे जो न्यूक्लियोलाई था वो एब्सेंट हो रहा है। क्या एब्सेंट हो रहा है? न्यूक्लियस प्रेजेंट बट न्यूक्लियोलाई, जो न्यूक्लियोलाई है वो एब्सेंट हो गया है। यस इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट ये वो स्टेज है जिसमें हीमोग्लोबिन एपियर हो जाता है। क्या हो जाता है? अपियरिंग, मतलब बनना स्टार्ट होने के बाद आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब प्रेजेंट, आप प्रेजेंट भी लिख सकते हैं। और हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण इसका जो साइटोप्लाज्म है वो बेसोफिलिक प्लस एसिडोफिलिक बोथ दोनों होता है, ध्यान रखना। आ रहा समझ में? इसलिए इसका एक नया नाम है पॉलीक्रोमेटिक। क्या है? पॉली क्रोमेटिक। सर इसको पॉलीक्रोमेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों स्टेन लेगा। आ रहा समझ में? ठीक है ये दोनों स्टेन लेगा, मल्टी कलर ले रहा है, तो अपन इसको क्या बोल दिया सर? पॉलीक्रोमेटिक। एनी डाउट? तो इंटरमीडिएट स्टेज वो स्टेज है जिसमें हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस रहती है। आ रहा समझ में? अब आ रहे हैं लेट नॉर्मोब्लास्ट। लेट नॉर्मोब्लास्ट यहाँ पे जो सेल का साइज है वो 8 to 10 माइक्रोन है। कितना है? 8 to 10 माइक्रोन। तो जो सेल है वो और छोटी बनेगी, सेल और छोटी बनेगी, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट है, मतलब जो न्यूक्लियस है वो इंक स्पॉट शेप है। कैसा है? ध्यान देना, इंक स्पॉट। यस या आप यही बोल सकते हैं यहाँ पे पिकनोसिस हो गई। क्या हो गई? पिकनोसिस,
मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट है, एनी डाउट इंक स्पॉट शेप, ठीक है। जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, न्यूक्लियस को हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, जा रहा समझ में। बाकी पूरा पोर्शन अब रेड से फिल हो गया है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, एनी डाउट, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसके बाद, ये जो है लेट नॉर्मोब्लास्ट का डायग्राम है, कोई डाउट, 8 to 10 माइक्रोन इसका साइज है, न्यूक्लियस इंक स्पॉट शेप है, पिकनोसिस हो चुकी है, साइटोप्लाज्म जो है वो कैसा हो जाएगा, एसिडोफिलिक, कैसा हो जाएगा, एसिडोफिलिक। सर ये एसिडोफिलिक क्यों हो गया, बिकॉज मोर अमाउंट ऑफ मोर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन अब संख्या ये इसका अमाउंट बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण वो क्या होते जाएगा, एसिडोफिलिक स्टेन लेगा। आ रहा समझ में, कौन सा स्टेन लेगा, एसिडोफिलिक स्टेन, ठीक है। अब बेसोफिलिक और एसिडोफिलिक से ये प्योर एसिडोफिलिक हो गया, कोई डाउट, कुछ पूछना चाहते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। यस, रेटिकुलोसाइट, जैसे ही न्यूक्लियस एब्सेंट होगा क्या होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, ठीक है, तो जितने भी अदर ऑर्गेनेल है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए नहीं है, तो क्या होंगे, ये सब मर जाएंगे, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट, ब्रेकडाउन, टूटने लग जाएंगे। टूटने के कारण क्या होगा, एक जाल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, इनकी सब सेल मेम्ब्रेन छिन्न भिन्न डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, जिसके कारण आपको जो सेल का स्ट्रक्चर दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। यस, ऐसा, यस, इसको रेटिकुलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेटिकुलम मतलब जाल, क्या बोलते हैं, रेटिकुलम बन जाएगा, इसलिए इस स्टेज को रेटिकुलोसाइट बोलते हैं। वो सेल, साइट मतलब सेल, जिसमें जाल नेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, नेट लाइक, इसलिए इसको रेटिकुलोसाइट बोलते हैं। इसका जो साइज है ऑलमोस्ट 7.2 या 7.3 या 4 बोल सकते हैं माइक्रोन, कोई डाउट, मतलब ऑलमोस्ट आरबीसी के साइज के बराबर। न्यूक्लियस यहाँ पर एब्सेंट रहेगा, क्या रहेगा, न्यूक्लियस यहाँ पर क्या है सर, एब्सेंट है, कोई डाउट, इसको मैंने राउंड से, जिससे आपको दिक्कत ना आए, आ रहा समझ में। इसके बाद ये अगेन बेसोफिलिक स्टेन लेगा, कौन सा स्टेन लेगा, बेसोफिलिक स्टेन लेगा। सर ये बेसोफिलिक स्टेन क्यों ले रहा है एसिडोफिलिक से, क्योंकि फिर से जब से यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन आ जाएंगी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, समझ में आ रहा है, सब्सटेंस निकलेंगे, सेल मेम्ब्रेन टूटेगी, तो ये फिर से कौन से स्टेन ले लेगा, बेसोफिलिक स्टेन, और हीमोग्लोबिन तो यहाँ प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है, तो हीमोग्लोबिन एकदम मोर एंड मोर एंड मोर रहेगा, इसलिए 3 स्टार लगा दिया अपन ने, कोई डाउट, इसको यहाँ पे डबल स्टार कर देते हैं, समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे कम था, यहाँ पे ज़्यादा हुआ और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ, बोलो ऐसा नोट। अब आज की लास्ट स्टेज मैच्योर आरबीसी, आरबीसी किस शेप की हो जाएंगी सर, डंबल शेप की, कैसी हो जाएंगी, ठीक है, ये आरबीसी है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर ब्लड भरा हुआ है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है कि जो आरबीसी होती है वो एक्चुअली ट्रांसपेरेंट वाइट इन कलर होती है, समझ में आया, मतलब कलरलेस होती है, इसके अंदर ब्लड भरा होता है, हीमोग्लोबिन जिसमें एक पोरफायरिन रेड कलर का पिगमेंट होता है, इसके कारण ये रेड कलर की दिखती है, आ रहा समझ में। और ये जो हीमोग्लोबिन है इसके कारण ये आरबीसी रेड कलर की दिखेगी। इसका जो शेप होगा, साइज होगा, वो 7.2 माइक्रोन होगा, ये डंबल शेप हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, डंबल, कैसी हो जाएगी, डंबल, आ रहा समझ में। और डिस्क शेप और बाई कॉनकेव, कैसी हो जाएगी, बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव, समझ में आया। यस, 7.2 माइक्रोन, यहाँ पर कितना होगा, 2.2 माइक्रोन, सेंटर पे 1 माइक्रोन, ये हम सब पढ़ चुके हैं पहले, यस, नहीं पढ़ा है तो वाला लेक्चर देखिए आरबीसी का स्पेशली, यस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो एब्सेंट था, पहले एब्सेंट हो गया था, यस, ये अगेन बेसोफिलिक, कैसा हो जाएगा, बेसोफिलिक, आ रहा समझ में। और हीमोग्लोबिन तो
बिल्कुल भरा हुआ होगा। समझ में आया? ठीक है, मैच्योर आरबीसी, यहाँ तक कोई डाउट? हैंस कंप्लीटेड स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस इन डिटेल। नाउ आफ्टर दी स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस वी आर गोइंग टू डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग एरिथ्रोपोइसिस, मतलब वो फैक्टर जो आरबीसी की सिंथेसिस को बढ़ा देंगे या घटा देंगे। आ रहा समझ में? यस, या उसको अल्टर कर देंगे, या आ रहा समझ में? ऑन गोइंग रिएक्शन को अल्टर कर देंगे, नोन एज फैक्टर अफेक्टिंग एरिथ्रोपोइसिस, जो कि अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यस, तो सीधे बढ़ जाते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एरिथ्रोपोइसिस, इट इज अ प्रोसेस वाई विच दोस एजेंट विच अल्टर दी सिंथेसिस ऑफ आरबीसी नोन एज फैक्टर अफेक्टिंग एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग एरिथ्रोपोइसिस, तो फैक्टर्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। पहला है जनरल फैक्टर मैच्योरेटिव फैक्टर एंड नेसेसरी फैक्टर, नेसेसरी फैक्टर ओके, या एसेंशियल फैक्टर, नेसेसरी फैक्टर फॉर सिंथेसिस ऑफ, नेसेसरी फैक्टर फॉर सिंथेसिस ऑफ, फॉर सिंथेसिस ऑफ आर बी सी। तो जनरल फैक्टर सीधे पढ़ लेते हैं। जनरल फैक्टर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला एरिथ्रोपोइटिन, क्या है? एरिथ्रोपोइटिन, यस, ये हार्मोन है। थायरोक्सिन, यस, वाइटामिन, फिर है हीमेटोपोइटिक फैक्टर या हीमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर, हीमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर। सबसे पहले एरिथ्रोपोइटिन को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ अ हार्मोन, ये क्या है? एक हार्मोन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम पेरी टिब्युलर कैपिलरीज, कहाँ से निकलता है? पेरी टिब्युलर कैपिलरीज ऑफ किडनी, किडनी की पेरी टिब्युलर कैपिलरीज से निकलता है। आ रहा समझ में? जो कि मतलब मैन आप कह सकते हैं किडनी से निकलता है, या शॉर्ट में इसका काम ही एरिथ्रो मतलब रेड पॉइटिन बनाने वाला ये आरबीसी की सिंथेसिस करवाता है। कोई डाउट? जैसे ही हाइपोक्सिया होता है, जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आरबीसी की सिंथेसिस करवाता है, साथ में बोन मैरो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, जिससे आरबीसी रिलीज होती है। समझ में आया? नेक्स्ट थायरोक्सिन, थायरोक्सिन जो कि थायरॉइड ग्लैंड से निकलने वाला, थायरॉइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है, जनरल मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाता है, और जैसे ही मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी तो उसके लिए आरबीसी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन कौन लेकर आता है? आरबीसी, इसलिए आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, इफेक्ट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। अब आते हैं विटामिन, यस, तो विटामिन ए को छोड़कर आप सीधे याद रखें विटामिन बी सी डी ई, ये सब जनरल हैं जो कि आरबीसी की सिंथेसिस को बढ़ाते हैं। इनका आप जब बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे बी बी कॉम्प्लेक्स, बी वन बी टू बी थ्री बी फाइव बी सिक्स बी ट्वेल्व बी सेवन बी नाइन, आ रहा समझ में? ठीक है, बी सेवन बी नाइन आजकल अलग हो गए बी कॉम्प्लेक्स से, यस। एंड हीमेटोपोइटिक ग्रोथ, हीमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर वो फैक्टर हैं जो कि हीमोपोइसिस करवाते हैं या आरबीसी की सिंथेसिस को अल्टर करते हैं। सर इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा इंटरल्यूकिन थ्री, साइटोकाइंस, आप जानते होंगे, यस, नहीं जानते हैं तो अभी आप जानेंगे जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, यस, या आप पढ़ चुके होंगे सेल फिजियोलॉजी में, यस, ठीक है। ये आप वाला लेक्चर देखें, उसमें आपको मिलेगा कि कुछ लोकल हार्मोन निकलते हैं जो कि अल्टर करते हैं इंटरल्यूकिन थ्री, इंटरल्यूकिन सिक्स, इंटरल्यूकिन इलेवन, ये जो थ्री और सिक्स है, ये थ्री टी सेल से निकलता है जबकि सिक्स
टी सेल से भी निकलता है, मैक्रोफेजेस से भी निकलता है, इपिथीलियल सेल से भी निकलता है, ध्यान रखना। इंटरल्यूकिन 11 ओस्टियोब्लास्ट से निकलता है, समझ में आया? ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट होती है? बोन के अंदर, बोन मेरो के पास। तो जैसे ही वहाँ पे आरबीसी की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो ये अल्टर करेंगे और आरबीसी का प्रोडक्शन कराएंगे, दैट इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। और ये वो फैक्टर है जिसको अल्टर करेंगे, इसलिए नाम आया फैक्टर अफेक्टिंग एरिथ्रोपोइसिस। दीज आर दी जनरल फैक्टर। हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, यस और नॉट, क्योंकि ये कॉमन है, आप इनके बारे में इतना जानते हैं। मैच्योरिटी फैक्टर, मैच्योरिटी फैक्टर आर दोज फैक्टर दैट हेल्प इन दी मैच्यूरेशन ऑफ आरबीसी। यस, आरबीसी यदि बन गई है उसके बाद मैच्योर भी तो होना चाहिए, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा है प्रोरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, एक प्रकार से मैच्योर हो रही ना। ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। यस, तो मैच्योरिटी फैक्टर में पहला फैक्टर है फॉलिक एसिड, दूसरा है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, और तीसरा फैक्टर है विटामिन B12, यस, जिसका नाम है साइनोकोबालामाइन। यस, हम डिस्कस कर रहे हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड क्या है? ये डीएनए की सिंथेसिस करवाता है। क्या कराता है? किसका डीएनए? आरबीसी का। आरबीसी का डीएनए सिंथेसिस कौन करवाता है? फॉलिक एसिड। यदि डीएनए प्रॉपर तरीके से सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा तो प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आरबीसी बड़ी रह जाएगी, क्योंकि वो बड़ी रहती है, धीरे धीरे छोटी होती जाती है, स्मॉल इन साइज, तो वो बड़ी रह जाएगी, जिसके कारण हो जाएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मतलब फॉलिक एसिड की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। यस, क्योंकि आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाई तो बड़ी रह जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे मैच्योर होती है वो छोटी होती जाती है और डंबल शेप की होती है। एनी डाउट? इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, ये वो फैक्टर है जो कि गैस्ट्रिक जूस में HCl आरासवन में के साथ निकलता है। आरासवन में कहाँ पर? गैस्ट्रिक स्टमक में। कहाँ पर निकलता है? स्टमक में, समझ में आया? सर ये स्टमक में जो निकलता है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, इसका काम क्या? नाम ही इंट्रिंसिक, अंदर से निकलने वाला फैक्टर जो कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराता है। इसका एक ही काम है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराना। और जो साइनोकोबालामाइन है ये एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है? एक्सट्रिंसिक फैक्टर। सर ये जो विटामिन B12 है एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज टेकन फ्रॉम द डाइट आउटसाइड द बॉडी, नोन एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर, एंड इट इज एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर। इसका काम क्या है? इट हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। सर ये आरबीसी को मैच्योर कराता है कैसे? क्योंकि डीएनए को मैच्योर करवाता है। किसको मैच्योर कराता है? डीएनए। इसका काम है डीएनए को मैच्योर करना। डीएनए सिंथेसिस कौन कराता है? फॉलिक एसिड। जबकि इसको मैच्योर कराने का काम कौन करता है? विटामिन B12। और डीएनए मैच्योर हो जाता है तो आरबीसी मैच्योर हो जाती है। कोई डाउट? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मैच्योरिटी फैक्टर। और इंट्रिंसिक फैक्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि ये नहीं होगा तो ये एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, तो ये एब्जॉर्ब करवाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैल्शियम का काम क्या है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराता है। क्या कराता है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन। अब पढ़ रहे हैं नेसेसरी फैक्टर, एसेंशियल फैक्टर फॉर सिंथेसिस ऑफ आरबीसी, मतलब एरिथ्रोपोइसिस को लिए वेरी नेसेसरी है। जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या क्या आता है? हीम एंड ग्लोबुलिन। हीम मतलब आयरन, यदि आयरन नहीं होगा तो बनेगा ही नहीं, इसलिए तो चाहिए ही चाहिए। आ रहा समझ में? थायरॉक्सिन नहीं है, ये इससे हो जाएगा, इससे नहीं, इससे हो जाएगा, थोड़ा बहुत चलते रहेगा, पर यदि आयरन ही नहीं तो बनेगी नहीं। आरासान है, ब्लड बनेगा ही नहीं, तो हीम चाहिए। ग्लोबिन या ग्लोब्यूलिन, ये एक प्रोटीन है। क्या है बेटा? प्रोटीन। मतलब आपकी डाइट में अमाइनो एसिड और प्रोटीन की भरपूर मात्रा होनी चाहिए, तभी तो प्रोटीन रहेगा। प्रोटीन और आयरन मिलके क्या बनेंगे? हीमोग्लोबिन। आरासान में? गुड।
ठीक है। अब इस आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए, अब इस आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए हमको क्या लगेगा, कॉपर, क्या लगेगा, कॉपर, कोबाल्ट, क्या लगेगा, कोबाल्ट, ठीक है ना, जिंक भी लगेगा, आ रहा समझ में, पर मेनली क्या लगेंगे, कॉपर, कोबाल्ट, ठीक है, और अदर वाइटामिन लगेंगे। अदर वाइटामिन कौन से हैं, जैसे वाइटामिन ए, समझ में आया, यस, ये वो फैक्टर्स हैं। एक बार फिर से हम देख रहे हैं, हमने एरिथ्रोपोइसिस के फैक्टर पढ़े, फैक्टर अफेक्टिंग एरिथ्रोपोइसिस, जनरल फैक्टर, एरिथ्रोपोइटिन, थायरोक्सिन, विटामिन एंड हीमोटोपोइटिक फैक्टर 1, 2, 3, 4, ओके। इसके बाद हमने फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड की कमी से होने वाला रोग मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, इंट्रिंसिक फैक्टर, ओके, इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी किस कमी में हो जाती है, गैस्ट्रेक्टॉमी, जिसका पेट काट दिया हमने, आ रहा समझ, किसी कारण में किसी को पेप्टिक अल्सर हो गया, पेट में छाले हो गए, डॉक्टर क्या करता है, उसका स्टमक काट के फेंक देता है, आ रहा समझ में, ठीक है, या और भी बहुत सारे कारण होते हैं, तो इसकी कमी हो जाएगी। और विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से होने वाला जो रोग है उसका नाम है परनीसियस एनीमिया, इसमें भी खून की कमी होगी, यस, ब्लड की कमी होगी, पर वो एनीमिया कहलाएगा परनीसियस एनीमिया, आ रहा समझ में, जो विटामिन बी ट्वेल्व की कमी के कारण होता है। और दीज आर दी नेसेसरी फैक्टर फॉर दी एरिथ्रोपोइसिस, हीम ग्लोबुलिन, कॉपर, कोवाल्ट एंड दी वाइटामिन लाइक वाइटामिन ए, ओके, वाइटामिन ई भी रहता है, यस, हेंस कंप्लीटेड हेयर दिस टॉपिक, ओके।